अगर आपको टिकट नहीं लेना है, यहाँ से टिकट में लाइन में नहीं लगना है, तो यहाँ से अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, जो नोल कार्ड है ना, ये नोल कार्ड अभी मैं यहाँ से रिचार्ज करने वाला हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं मंजर पार्क, ये देखो पीछे हम पहुँच गए हैं पे, बस अभी यहाँ से हमको टिकट लेना है, टिकट लेके एंट्री करनी है, और बाकी लोग भी है बस आ रहे हैं पीछे पीछे हमारे। जैसे पहुँचेंगे हम लोग अपना वो सामान लेकर पूरे रिश्ते इधर भी जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। मासूम बच्चा भी आ गया, तैयारी से है। दिखाओ किधर है हमारी चटाई वटाई वगैरह सब, चटाई खाना वाना सब आ रहा है, खाना तो भी बाकी है ना। आज लगता है कुछ ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि छुट्टी का दिन है ना, और पार्किंग भी पूरी देखो फुल है, पूरे पार्किंग लॉट में भी गाड़ियाँ एक के बाद एक आनी पे है। मैंने एक अपडेट और कर दिया है, अगर आपको टिकट नहीं लेना है, यहाँ से टिकट में लाइन में नहीं लगना है, तो यहाँ से अपना कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, जो नोल कार्ड है ना, ये नोल कार्ड अभी मैं यहाँ से रिचार्ज करने वाला हूँ, और फिर मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ मैं। डाल दिए भैया, रिचार्ज हो गया, मैं भी रिचार्ज करता हूँ फिर आपको। ये नोल कार्ड है इसका, पीछे से छोटी सी मेट्रो भी बनी हुई है इसके अंदर। ये मोस्टली हर दुबई में हर जगह पे पानी में बॉडी, पानी की बोट में, ट्रेन में, मेट्रो में और बस स्टॉप, हर जगह पे चल जाता है कार्ड। ये इतनी पब्लिक आ गई यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सब लोग एक साथ ही जा रहे हैं और मैं भी अंदर जा रहा हूँ। कार्ड गिर गया यार, जो मेन चीज़ थी वही डाउन हो गई। पार्क बहुत बड़ा है तो कई किलोमीटर में फैला पड़ा है, लेकिन यार प्लीज़ मुझसे मत पूछना कि कितना किलोमीटर है, रियली मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैं इंजॉय करने आया हूँ, इसका पता लगाने तो बिल्कुल भी नहीं आया। मेरे पीछे तो ये रखी है ना, छोटी छोटी बाइक टाइप की है, ये इसलिए है कि जिसको चाहिए, जो ज़्यादा नहीं टहल सकता, घूम नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, तो वो ये रेंट कर, रेंट पर ले सकते हैं। चल चलते थक जाते हैं लोग तो अक्सर ये, इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, और उधर पीछे ये दूसरी तरह की है, एक आदमी के लिए भी है टू, और दो आदमी के लिए भी है। इनसे पूछता हूँ कितना रेंट है इसका। डबल का 55 दिरहम है, जो जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं, और सिंगल वाले में 45 दिरहम है, जिसमें एक आदमी बैठ के उसको चला सकता है, पूरे पार्क में घूम सकता है बिना थके, बिना थके के पैंडल तो मारने पड़ेंगे उसको, तो फिर भी क्योंकि ये लंबा बहुत है पार्क, इसलिए वो लेंगे तो बेहतर है, पर हम लोग इतना अंदर जाने वाले नहीं हैं, बस थोड़ा सा चाहेंगे, और जिधर अच्छा माहौल लगेगा वहाँ पर बैठ के अपना खाना वाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तो खाना वाना ले कर आए हैं हम सब लोग। और यार एक छोरों की मीटिंग चल रही है, पार्क पूरा फुल होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आदमी बहुत लगातार आ रहे हैं, किसी के पास पानी की बोतल है, किसी के पास खाना है, कुछ कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर यहाँ पे बहुत बहुत अरेंजमेंट है। आपको दिखाता हूँ मंदिर जाने के बाद, बहुत इंतज़ार ख़त्म हुआ है और ये सब लोग आ रहे हैं अभी, ये सारे एक ही जगह रहने वाले हैं। इस जगह की यही खासियत है कि बहुत मज़ा आता है यार, लगता नहीं कि दुबई में, देखो कितनी ग्रीनरी है, हर जगह पेड़ पौधे लगे हैं, फैमिली की फैमिलियाँ पूरी इधर ही बैठी है, लोगों ने तंबू लगा के रखे उधर। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब सब साथ में फैमिली के साथ आते हैं ना, तो अब देख रहे हो धुआं उड़ रहा है, यहाँ पे जगह जगह टेबल लगी हुई है, और उस टेबल में सब लोग बारबेक्यू बनाते हैं, चिकन फ्राई वगैरह ये सब करते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये कोई बसंत का टाइम था, शायद जनवरी का टाइम था, और यहाँ पर हर पेड़ पौधों पे, इतने पेड़ वगैरह है ना यहाँ पे, सब पे इतनी पतंगे थी कि मैं देख के शौक हो गया था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था दुबई के अंदर इतनी पतंग उड़ती हुई, और यहाँ पे इतने लोग आए हुए थे, हर जगह भीड़ भीड़ दिखाई दे रही थी। हम लोग दूसरे फर्स्ट गेट पे इंतजार कर रहे थे इन लोग का, और ये सब लोग दूसरे गेट पर आकर अपना पार्किंग लगा दी उन्होंने, पता नहीं किस तरह का है आने, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं अरबी में, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, इंग्लिश में तो समझ जाते हैं, हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लीन
और जबरदस्त जगह है। ये देखो इधर दिखाओ,